कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं बच्चों? रेती कितने तरह के होते हैं कंपाउंड्स? दो तरह के, है ना, मेरी नजरों में, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। एक जो साइक्लिक रेजोनेंस शो करता है, एक जो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं शो करेगा, या फिर नो साइक्लिक रेजोनेंस, या ए साइक्लिक भी लिख सकते हैं, ए साइक्लिक रेजोनेंस। समझ में आ रहा है किसी को? जो नो साइक्लिक होगा यानी नॉन साइक्लिक रेजोनेंस शो करेगा, नॉन साइक्लिक, चलो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एरोमेटिक। क्या कहते हैं? अब देखो, साइक्लिक रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर के बेसिस पे हम लोग दो तरह के कंपाउंड बनाएंगे, एक जो ऑड होगा और एक जो इवन होगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में काफी डिटेल में उतरूंगा, ठीक है, तो किसी को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। एक होगा ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होगा? ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होगा इवन वाला। ऑड वाला एक लगा लो और एक कौन सा वाला लगा लो? इवन वाला। कौन सा वाला लगा लो? इवन वाला। लेकिन इस चीज में ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी पढ़े हो, लाइक रेवती और ये क्या नाम है, सेजवाल, दीपशिखा सेजवाल, ठीक है, तो इसीलिए मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं किसका, पेयर का। तो तुम लोग मत बोलना सर ये तो गलत है, आप गलत कर रहे हो, मैं पेयर का बात कर रहा हूं कि पेयर किसमें होना चाहिए, ऑड में या फिर इवन में। मैं पाई इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं रेवती? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर का, ठीक है, तो ऑड में होगा या फिर इवन में होगा, समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो, अगर मैं बोल रहा हूं 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब ये 3 क्या है, ऑड है कि नहीं है? पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो अलग हो गया ना, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, एक में कितने होते हैं? 2। एक में कितने होते हैं? 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। बट पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने होंगे, ऑड है या इवन है, ये बताओ मुझे, ऑड या इवन? तो ऑड वाला क्या होगा? ऑड वाला होगा एरोमेटिक। क्या होगा बच्चों? और ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। क्या होगा ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। लिख लो जल्दी से, मैं अभी एरोमेटिक को उठा के डील करने वाला हूं, लिख लो जल्दी। रेखी क्या तुम लिख चुकी हो? और ये बहुत इंपॉर्टेंट या है, वो एंटी है या फिर एंटाई है सर? वो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि अरे ये सब तो पुराना बात है क्लास 11 का, तो जो ये सोच के पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्लास 12 में। चाहो तो इस बात को लिख लो, जब ये चैप्टर जहां भी शुरू होगा देखना। तो क्या अभी हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब सारे बच्चे मेरे साथ देखे इधर, ठीक है, एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक का ऐसा सिस्टम है कि एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एरोमेटिक का मतलब साइक्लिक होना जरूरी है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्कल, और वो एक रूल दिए थे, हक्कल्स रूल। कौन सा रूल दिए थे? हमारे टीचर ने बहुत पकाया है इसको लेके, और याद है? क्रिटिकल बहुत ज्यादा तेज बन के हार्डी विनबर्ग लॉ लगाई थी ना बायोलॉजी में, आयशा मैडम। हाँ सर, ज्यादा तेज हो रही है ये, पढ़ाई नहीं सही हो में पा रही मैंने है। एप्लीकेशन चैप्टर में पढ़ाया था उसे। भी पेंटिंग होगा, चलो एरोमेटिक इधर देखो। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे नहीं करो, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, उसके 4 कंडीशन। कितने कंडीशन बच्चों? 4। सबसे पहले वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। क्या होना चाहिए? साइक्लिक, ठीक है। दूसरा, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, इसका मतलब कि उसमें रेजोनेंस हो। क्या हो उसमें? रेजोनेंस हो। क्या रेवती, यही समझ में आया तुमको? कॉन्जुगेटेड कैसे होता है? कॉन्जुगेटेड, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। पाई सिग्मा पाई हो जाएगा, और सिग्मा पाई होता जाएगा होता। लेकिन अगर किसी कारणवश मैंने यहां से हटा दिया तो पाई सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा आ गया ना, तो नहीं हो पाएगा। कम से कम यहाँ पे लोन पेयर हो
या चार्ज हो या कुछ हो तब हो जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, याद करो कुछ, बताया था मैंने, बताया था असलम, हाँ बताया था। तो कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि पाई पकड़ लो, साथ में ले लो सिग्मा, हाथ से निकाल लो पाई, ये अगर हो गया तो हो जाएगा, या फिर पाई ले लो सिग्मा ले लो और लोन पेयर ले लो, तो भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताए थे कि नहीं, बोलो। या फिर एक और कंडीशन है, पाई ले लो सिग्मा ले लो और चार्ज ले लो, तो भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। ये तो दो कंडीशन, तीसरा कंडीशन काफी खतरनाक वाला, कि जो भी कंपाउंड्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्लेनर, क्या होने चाहिए, प्लेनर। अब तुम बोलोगे सर ये प्लेनर है, तो बिल्कुल ये क्या होता है, प्लेनर होता है। बेंजीन कैसा होता है, प्लेनर होता है, उसके सारे जो मतलब कि एलिमेंट्स है वो सब प्लेन में, एक ही प्लेन में होता है। अब ये मत समझना हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे है, ऐसा नहीं होता, सब एक ही प्लेन में, समझ में आ रहा है, सारे कार्बन कैसे हैं sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा एक बात बताते, प्लेनर कोई कंपाउंड कैसे है, ये तुमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये कैसे तुमको पता चलेगा, तो प्लेनर के लिए तुमको पता होगा, या फिर तुमको किताब में दे देगा या टीचर बता देगा, ठीक है, या फिर अगर ये सब नहीं हुआ तो तुमको देखना होगा कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, समझ में आया, समझ में आया बच्चों, अक्कल शुरू, चलो लिख लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट ही लिखवाना भूल गया, अगर जगह है तो बीच में इसको डाल दो, इसको कहते हैं अक्कल शुरू, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, अक्कल शुरू कौन सा है, ये चारों, और क्या होना चाहिए कंडीशन, 4n plus 2, क्या क्या बच्चों, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर ये नियम है तो फुलफिल हो जाएगा। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, रेवती बताएगी या स्मृति, और कोई नहीं, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में कितने है, रेवती जल्दी बताओ मुझे, 3 है, रेवती पूछे, रेवती 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर है, बिल्कुल स्मृति समझे, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, बट पेयर में अगर पूछ दे तो बताना है 3, ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे किसका जिक्र चल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पे जिक्र चल रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, किसका जिक्र चल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये 6 है तो क्या इस फॉर्मेट से 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या, एन का वैल्यू कितना डाले कि 6 आ जाए, देखो तो रेवती बताएगी या फिर स्मृति, रेवती या स्मृति, बस 1 डालेंगे तो 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कि ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये क्या होगा, एरोमेटिक, समझ में आया कैसे पता करना है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हो जाता 4 तो क्या ये इसको बनाता, फॉलो कर सकता था, कभी नहीं होता, कभी ये कंडीशन फुलफिल होता, कभी नहीं होता, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं होता, समझ में आ रहा, तो इसमें एन का वैल्यू 0 से भी तुम वैसे शुरू कर सकती हो, अगर 2 होगा तो इसको 0 कर दो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो एरोमेटिक होगा, तो n यहाँ पर कितना से शुरू होता है, n कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू कर सकती हो, पूछेगा हक्कल रूल में एरोमेटिक के लिए n कहाँ से शुरू हो सकता है, तो 0 से, इसमें 0 डालो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मुझे, जो भी कंपाउंड्स पढ़े हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी कंपाउंड्स, उन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होते हैं, एरोमेटिक, समझ में आ गया अच्छे से, यस सर, पक्का, देखो अच्छे से, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि जब हम पूछना शुरू करेंगे सवाल देंगे तब मत पूछना हमसे, ठीक है, चलो मैं इसे हटाता हूं, अब लिखो
एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या लिखोगे? एंटी एरोमेटिक क्या लिखोगे बच्चों? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक. तो इसमें लगा दो एंटी, एंटी 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 एरोमेटिक. ठीक है, बस 4 एंड 5. ये एंटी बोलो ना ज्यादा अच्छा लगता है. इसको क्या बोलेंगे? एंटी. क्या बोलेंगे? एंटी. ठीक है, 4 एंटी. एंटी नहीं एंड. आप इधर देखो, यहां एंड का वैल्यू यहां पे कितना से शुरू हो सकता है बच्चों? 1 से. 0 से अगर शुरू करोगे तो सब पता हो जाएगा. 0 पाया लगता है. हां 1. तो 1 तो बोला सर. शुरू होगा 1 2 3 4 से, है ना? हां हां, हो सकता है कि नहीं होगा? आंटी सब सुन ना, आ रहा है कि नहीं? Yes. इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो होगा एरोमेटिक, और n का वैल्यू 1 यहां पे डाल दे, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा किसी कंपाउंड में जे कंडीशन के साथ, तो वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों? Yes, sir. समझ में आना? तो अब एक चीज देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ. एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल कंपाउंड होता है. देखो एक्चुअली यूपीएससी में पूछ लिया तो भाई, एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जितना एरोमेटिक था ना उसका सीधा उल्टा कर दो उतना ही अनस्टेबल. सॉरी ये नहीं, ये एंटी एरोमेटिक उतना ही अनस्टेबल. और ये इतना अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि अगर एंटी एरोमेटिक कोई कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होगा तो वो रिएक्शन ही नहीं. समझ में आया? ये समझ में आया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी केमिकल रिएक्शन से बनने वाला होगा तो वो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, वो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक ये सब चीज बहुत जरूरी है. समझ में आया? ये क्लास 12 के लिए बहुत जरूरी है. रेवती कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा तुमको? Yes, sir. ये देखो, ये क्या है, इसमें कितना है पाई इलेक्ट्रॉन? एंटी एरोमेटिक. क्या होगा? एंटी एरोमेटिक. नहीं मैं एंटी बोल रही हूँ. कुछ समझ में आ रहा तुमको? Yes, sir, आ रहा है. Okay, now see, this is a non-aromatic compound because you know this is not cyclic resonance, correct? This is a resonance, but this is not cyclic resonance. और यहाँ तो resonance हो ही नहीं रहा, यहाँ तो resonance ही नहीं हो रहा, यहाँ पर resonance नहीं हो रहा, यहाँ पे resonance नहीं हो रहा, है ना? जो सब लिखना है लिखते जाओ, alcohol लिख दो, उसमें भी resonance नहीं हो रहा, कौन सा इथेनॉल उसमें भी नहीं हो रहा, कुछ भी लिख दो जो भी कंपाउंड, वो सब क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक. क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक लिख लो एक चीज, इसमें लिखना क्या है? स्टेबिलिटी. क्या लिखना? स्टेबिलिटी. एरोमेटिक सबसे ज्यादा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक. उसके बाद एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक. स्टेबिलिटी ऑर्डर तो लिख दिया ना, अब क्वेश्चंस लिखो, अब खटाखट क्वेश्चन लिखो. लिखना चाहोगे? यस सर, लिखो. क्वेश्चन देते हैं और 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए. कितने मिनट में? 2 मिनट मात्र. 2. तुम लोगों को ये बताना है कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक. मात्र 999 रुपए में बस इतने. ये है कौन? सैंपल. क्या फिनॉल है? OH वाले अंकल. क्या है? सॉरी, हाँ फिनॉल है. अच्छा, अच्छा एक बात बताते हैं, ऐसे करके अगर हम लिखते हैं डॉट, इसका मतलब जानते हो? इसके ऊपर लोन पेयर. लोन पेयर. ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है कि इनकी हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है? मतलब अलग अलग है, तुमको बताना है कि एरोमेटिक
कौन एंटी एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक, ठीक है? बता पाओगी? हाँ सर, कोशिश करते हैं। बता सकती हो? है हिम्मत? बस बस ठीक है। मैंने बोला ना कोशिश करूंगी, अलग ही है। हिम्मत वो बोल। हाँ है हिम्मत। चलो बताओ एक और। सर अब हट जाओ थोड़ा सा। इतना सॉल्व करो फिर आगे दो चार और मिलेगा तुम लोगों को। आंसर आंसर आंसर, सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? रेवती, रेवती नायक जल्दी बताओ। एरोमेटिक, एरोमेटिक। सबसे पहली बात की है, साइक्लिक है? यस yes. हाँ. साइक्लिक। क्या इसमें कॉन्जुगेट बन रहा है? यस yes. क्योंकि yes. ये पाई है, पाई है, पाई है, तो इसी में हो जाएगा। या फिर इसका भी कुछ रोल होगा? बताओ, इसका कोई रोल होगा? नहीं, नहीं होगा। इसका कोई रोल नहीं होगा, इसमें अपना हो जाएगा रेजोनेंस। तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी इसमें कॉन्जुगेट भी। और ये प्लेनर है, ये क्या है? प्लेनर है। अगर नहीं तो हम बोल रहे हैं कि इसको प्लेनर मानो, ठीक है? आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सिक्स। कितने होंगे? सिक्स। या फिर नंबर ऑफ पेयर का अगर बात कर ले तो क्या होगा? अकेले को भी तो फॉलो कर रहा है सर। तो ये तीन क्या है, ऑड है कि नहीं है? तीन क्या है, ऑड है ना? या फिर सिक्स को चेक करना है तो फोर एन प्लस टू इसमें बैठा दो ना, और अगर इससे सिक्स का वैल्यू आ गया तो ये हकल रूल के पहले वाले को फॉलो कर गया, बन गया। अब इसका बताओ इसमें क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक बिल्कुल है साइक्लिक। कॉन्जुगेट इसमें बनेगा हाँ या नहीं? लगता है कॉन्जुगेट बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। कौड़े तल गए सर के, दो निकाल दो सर जल जाएंगे। कितने मल्टी है, मैंने बोला था सर साइड बाय साइड काम करते हैं। यहां क्लास ले रहे हो आप, पकोड़े भी तल रहे हो। कॉन्जुगेट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर, बनेगा सर, बनेगा, बनेगा। चलो ठीक है, कॉन्जुगेट बन गया। बस मुझे एक आदमी कोई भी बता दो कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने होंगे। रेवती और स्मृति बताएंगी। चार इलेक्ट्रॉन। चार, है ना? सारे बच्चे चार आएंगे या नहीं आएंगे मुझे बताओ। चार। और ये क्या होगा, चार से क्या ही बनेगा? एरोमेटिक। हाँ सर। लेकिन आपने तो इसमें जीरो वन टू थ्री फोर चारों लिखा था ना? सही गलत है, इसमें चार पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब देखो अपना चेला बताएगा, बताओ भाई अनिकेत। है सर, ऊपर भी दो हैं, देखो ये वाला, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, ये जब लोन पेयर है तो मैंने बोला था ना, दो लोन पेयर के यानी एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड बनाता है, यानी दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। लिखवाए थे कभी, देखो उसमें, देखो कॉन्जुगेट बनेगा और ये प्लेनर है, लेकिन इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे रेवती? रेवती मैंने बोला था यार काम करो, मैंने बोला था इसके बारे में। यस सर। तो आप बताओ क्या होगा ये? एरोमेटिक। क्या होगा ये? एरोमेटिक। तो कुछ भी गलत सलत कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पे पूरा चेक किया जाता है। अब इसके बारे में बताओ भाई क्या होगा ये? ऐसे चेक करो ना फिर जल्दी बन जाएगा। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या इसमें कॉन्जुगेशन चल रहा है? सर देखो ना, यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, दो सिग्मा, ऐसे थोड़ी चलता है, एक सिग्मा आना चाहिए था, यहाँ तो दो दो हो गया, नहीं होगा, नो कॉन्जुगेशन है ना, ब्ला ब्ला। इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा ये? क्या सही जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ क्या होगा? रेवती बताओ। आंटी। अरे रेवती को बताने दो। Aromatic. Aromatic. According to रेवती, this is aromatic, right? आंटी होगा सर। बट ये गलत है, aromatic नहीं होगा ये।
क्या रेवती, मैंने ऐसा कुछ बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एक पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला होगा। मैंने बोला होगा कि अगर ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये बोले थे। वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी ऐसा बोले थे? कभी लिखवाए हैं? कभी? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, क्या बना देगा ये? तो इसमें ये साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन भी इसमें हो रहा है, ये प्लेनर भी है, बट इसमें है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चार। कितने हैं? चार। पेयर कितने हैं पाई के? चार। तो क्या होता है? इवन। क्या होता है? इवन, यानी ये हो जाएगा एंटाइल। क्या होगा? एंटाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में नहीं आया अभी, ईमानदारी से पूछो, क्योंकि आगे और भी सवाल मिलेगा। ना मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या मतलब, दो मेरे को स्मृति, अरे कौन सा वाला, ये या फिर ये वाला, ये ऊपर जो आपने लोन पेयर को मतलब दो इलेक्ट्रॉन मान लिया है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें एक प्लस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तब होता है। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? एक कम नहीं हो सकता? चलो कोई बात नहीं, करो यार, चलो कोई बात नहीं, बताओ कहाँ से कम करें? क्यों कोई बात नहीं, बताओ कहाँ से कम करें? नहीं सर समझ आ गया, छोड़ो क्या बोल रहे, चलो।